पाकिस्तान अपनी फजीहत खुद ही करवाते रहता है। पाकिस्तान की सत्ता से जुड़े लोग या उनके समर्थक कुछ ना कुछ ऐसी हरकत जरूर करते हैं जिससे पाकिस्तान की विश्व पटल पर किरकिरी हो जाती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और इमरान खान के बीच किस हद तक दुश्मनी है ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब उनकी इसी दुश्मनी की एक झलक लाइव टीवी पर भी नजर आने लगी। एक लाइव टीवी कार्यक्रम के दौरान नवाज की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनेटर अफनान उल्ला खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े शेर अफजल खान लाइव शो के दौरान ही एक दूसरे से भिड़ गए और भिड़े क्या, आपस में लात घूंसे चलने लगे। इन दोनों की पिटाई के बाद पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। कई लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी चैनल्स लगातार मारपीट का अड्डा बनते जा रहे हैं। सीनेटर अफनान उल्ला खान और शेर अफजल खान एक चैनल पर चर्चा में शामिल हुए थे। एक राजनीतिक टॉक शो के दौरान दोनों नेताओं के बीच एक मसले को लेकर मामला गर्म हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को गालियां देने लगे और मारपीट करने लगे। इस पूरी घटना ने एंकर और चैनल को हैरान कर दिया, तो वहीं दर्शक अपनी तरह से क्लिप को शेयर करके इसके मजे ले रहे हैं। दरअसल चैट शो के दौरान एंकर ने इमरान खान पर कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने पूर्व पीएम पर गलत काम करने और सैन्य अधिकारियों के साथ बैकडोर बातचीत करने का आरोप लगाया। अब इन आरोपों पर इमरान खान के समर्थन वाले नेता भड़क उठे और उन्होंने जवाब नहीं दिया। अपनी सीट पर खड़े होकर उन्होंने खान के सिर पर एक जोरदार चांटा मारा। अचानक हुए हमले के बाद सीनेटर ने खुद को संभाला, खड़े हुए और फिर उन्होंने कैमरे से दूर इमरान के समर्थक को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उन्हें लात और घूंसे भी मारे। दोनों नेताओं को देखकर लग रहा था कि वो कोई बॉक्सिंग का मैच लड़ रहे हों। चैनल के क्रू और होस्ट ने दोनों को रोकने की कोशिशें भी की, लेकिन असफल रहे। जब तक दोनों ने एक दूसरे को कूट नहीं दिया, तब तक अलग नहीं हुए। दोनों एक दूसरे को जमकर गालियां भी दे रहे थे। लड़ाई के बाद सीनेटर अफगान ने एक्स पर अपनी दास्तां सुनाई। उन्होंने लिखा, मारवात ने कल टॉक शो में मुझ पर हमला किया। मैं अहिंसा में विश्वास करता हूं, लेकिन मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूं। मारवात पर जो चाल चली है वह सभी पीटीआई और खासकर इमरान खान के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। आकर देखें, उन्हें बड़ा काला चश्मा पहनना होगा। इस बीच वीडियो के आने के बाद यूजर्स भी जमकर इस वीडियो के मजे ले रहे हैं।